महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य पर ड्रग फ्री हमीरपुर कैंपन के तहत एनएसयूआई अभियान शुरू करेगी। हमीरपुर में आयोजित पत्रकार वार्ता में एनएसयूआई अध्यक्ष टोनी ठाकुर ने कहा कि एनएसयूआई पूरे जिला को ड्रग फ्री बनाने के लिए पूरे जिला भर में अभियान चलाएगी, जिसके तहत जागरूकता शिविर के अलावा खेलकूद प्रतियोगिताएं एवं सांस्कृतिक प्रतियोगिताएं करवाई जाएंगी। महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य पर ड्रग फ्री हमीरपुर कैंपेन के तहत एनएसयूआई अभियान शुरू करेगी। हमीरपुर में आयोजित पत्रकार वार्ता में एनएसयूआई अध्यक्ष टोनी ठाकुर ने कहा कि एनएसयूआई पूरे जिला में ड्रग फ्री बनाने के लिए पूरे जिला भर में अभियान चलाएगी, जिसके तहत जागरूकता शिविर के अलावा खेलकूद प्रतियोगिताएं एवं सांस्कृतिक प्रतियोगिताएं भी करवाई जाएंगी। टोनी ठाकुर ने कहा कि हमीरपुर में पिछले कुछ दिनों से नशे ने मकड़ जाल फैलाया हुआ है, जिसके चलते युवा नशे के जाल में फंस चुके हैं। उन्होंने कहा कि एनएसयूआई के द्वारा आगामी दिनों में पूरे जिला में अभियान चलाकर ड्रग फ्री हमीरपुर बनाया जाएगा। उन्होंने बताया कि प्रतियोगिता में अव्वल रहने वाले युवाओं को एनएसयूआई की ओर से पुरस्कार देकर भी सम्मानित किया जाएगा। महात्मा गांधी जी की जो 150वीं जो वर्षगांठ जयंती है, जो वर्ष चला हुआ है, उसके उपलक्ष्य में हमीरपुर जिला के अंदर एक एंटी ड्रग कैंपेन जो है वो शुरू करने जा रही है, और इस कैंपेन का नाम जो रहेगा वो रहेगा ड्रग फ्री हमीरपुर। आपको पता होगा कि आए दिन हमीरपुर जिला के अंदर लगातार जो है वो नशे के जो तस्कर हैं, उनका जो लगातार जो है वो उनका जो प्रभाव जो है, दुष्प्रभाव जो है वो समाज में बढ़ता जा रहा है, और चाहे युवा हो या कोई भी व्यक्ति हो, आज नशे की चपेट में इतने मामले हमीरपुर जिला के अंदर ही सामने आ रहे हैं कि हमें शर्म महसूस हो रही है। और आप जानकर हैरान होंगे कि पिछले जो एक वर्ष में ये जो नशे के मामले हैं उसमें 32% की बढ़ोतरी जो है वो हिमाचल प्रदेश के अंदर देखी गई है, और विशेषकर हमीरपुर जिला में। चाहे पीछे नशे के जो सौदागर यहाँ पकड़े गए हों, हमीरपुर में सुजानपुर में एक ओवरडोज से एक युवा भाई की मौत हुई थी, तो इसके लिए कौन जिम्मेवार है साथियों? एक्चुअली ये जो मुद्दा है नशा वगैरह, ये एक सामाजिक मुद्दा है, ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है। लेकिन जिस तरह से राजनीतिक हस्तक्षेप इसमें हो रहा है, राजनीति से जुड़े क्षेत्र से जुड़े लोगों के जो बच्चे हैं वो इस तस्करी में सम्मिलित पाए जा रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं समाज के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। और एनएसयूआई पूरे जिले में एनएसयूआई के बैनर तले खेल प्रतियोगिताओं के माध्यम से सांस्कृतिक जो स्कूलों में जागरूकता अभियान चलाकर, और उन अभियानों के तहत, क्योंकि जो ये नशा माफिया है ये बच्चों को ज़्यादा, जो स्कूली छात्र हैं, जो कॉलेजों के छात्र हैं, शिक्षण संस्थानों पे अपने जो पांव हैं वो ज़्यादा पसार रहा है, इन बच्चों को टारगेट कर रहा है। तो एनएसयूआई का मुख्य जो मोटो है इस ड्रग फ्री हमीरपुर के जो कैंपेन का, इसका मुख्य मुद्दा होगा कि बच्चों को जागरूक किया जाए, उनको खेलों से जोड़ा जाए, ताकि जो भविष्य है, भारत का भविष्य है, हमीरपुर का भविष्य है, हिमाचल का भविष्य है, वो सुधर सके। और बुलंद, जिस तरह से पहले हमीरपुर जिला का नाम पूरे प्रदेश भर में, पूरे देश भर में शिक्षा के क्षेत्र में अव्वल नंबर पर आता है, इसी प्रकार हमीरपुर का नाम जो है वो ऊंचा रहे। और हमारा इसका मुद्दा ये है कि नशा तस्करी जो है, नशा जो माफिया है, उसकी जड़ों को खत्म करने का जो है हम एनएसयूआई एक प्रण लेती है, और इस जो कैंपेन के माध्यम से है हम आम लोगों को जो है, और आम छात्र, आम जो युवा वर्ग है उसको जो है वो जागरूक करने का प्रयास करेगी। धन्यवाद। कार्यक्रम में वक्त चले छोटे ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद।